अरमान मलिक की फैमिलियाँ इस समय खूब चर्चा में है। अगर हम बात करें मलिक फैमिली की, तो सबसे पहले दो बीवियों वाले अरमान मलिक, जो फेमस यूट्यूबर भी हैं और रेगुलर शूट भी करते हैं, अपनी ब्लॉगिंग शूट करते हैं, हम जिस तरह से उनको देखते हैं कि सोशल मीडिया पे, अगर हम बात करें पायल की और कृतिका मलिक की, तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो प्यार लुटाते हुए नज़र आती हैं, वो हम उसकी बात करेंगे। और इस समय काफ़ी चर्चाओं में है, बिग बॉस के बाद तो वो लगातार वो चर्चा में बनी रही हैं, क्योंकि बात कृतिका मलिक की करें तो वो टॉप 5 कंटेस्टेंट में से भी एक थी, तो उसके बाद की बात हो तो रेगुलर ब्लॉग शूट हो रहे हैं, उस पर एक खबर सामने से उड़ती हुई आ रही है। ये अभी कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं दीपाली त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि एक खबर सामने से आ रही है जिसमें पायल मलिक ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि वो कृतिका मलिक का टैटू हटवा रही हैं, क्योंकि उनको उनके नाम की स्पेलिंग अच्छी नहीं लग रही है, या हो सकता है ऐसी सिर्फ अभी चर्चाएँ हैं, कन्फर्म कुछ भी नहीं है। आपको मैं ये भी बता दूं कि टैटू वाले जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि आप अभी ये टैटू हटवा रही हैं, कुछ दिन बाद आप दूसरे हाथ का टैटू हटवाएंगी, जो कि उसमें पायल मलिक ने ये कहा कि पायल मलिक ये कहती हुई नज़र आ रही हैं उसमें कि अभी सिर्फ कृतिका मलिक का वो टैटू हटवा रही हैं, क्योंकि उनको स्पेलिंग पसंद नहीं आ रही है, उनके हाथ पे अच्छी नहीं लग रही है, और हनुमान जी के जो टैटू की बात है तो वो कभी नहीं हटेगा, उन्होंने ऐसा कहा। और इससे पहले भी वो इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें ऐसी कह चुकी हैं, जो अगर हम बिग बॉस के घर की बात करें तो ये भी बाद में था कि तलाक लेंगी वो अरमान मलिक से बाहर आते ही, लेकिन एक इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल किया गया कि वो अरमान मलिक से तलाक लेने वाली हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं जो भी यूज़र्स हैं, जो भी उनके व्यूअर्स हैं, उन्होंने जो कमेंट किया कमेंट सेक्शन पढ़कर, वो डिप्रेस्ड हो चुकी हैं, इस वजह से उन्होंने डिप्रेशन में ये एक उन्होंने मतलब अपना मुद्दा रखा था कि वो अरमान मलिक से तलाक लेगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, उनके बीच में बहुत कुछ अब सही हो गया, अच्छे अपने मतलब वो दोनों बहनें ही मतलब बहनों की तरह बॉन्डिंग शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारे साथ इसी बीच में अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित काफ़ी बारीकी से बॉस भी फॉलो कर रहे हैं और उनके ब्लॉग्स को भी रेगुलर देखते हैं, अंकित खुद एंटरटेनमेंट कवर करते हैं। तो अंकित, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अभी सिर्फ एक खबर आ रही है जिसमें पायल मलिक कृतिका मलिक के टैटू जो उन्होंने अपने हाथों में बनवाए हैं वो हटाते हुए नज़र आ रही हैं। हाँ देखिए, लगातार वो ये भी बोलते आ रही हैं कि पहले भी हमने व्लॉग में जो देखा, व्लॉग के अंदर यही था कि टैटू में जो कृतिका के स्पेलिंग थे वो गलत थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं चेंज कर रही हूँ उसको। लेकिन हाँ, इतने टाइम बाद आपको याद आया कि स्पेलिंग गलत थे, क्योंकि हमने इससे पहले देखा बिग बॉस के घर से निकलते जब वो बाहर हुई पहले, तो उन्होंने बोला मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, मुझे नहीं रहना अरमान और कृतिका के साथ। तो मेरे को लगता है वो ये सिर्फ लाइमलाइट के लिए, पब्लिसिटी के लिए ये सब चीज़ें करिए, ताकि लोग उनको याद रखें, क्योंकि ऑफर जो आया वो कृतिका के पास आया, बिग बॉस 18 को उनके पास तो आया नहीं। अब वो चाहती है कुछ पब्लिसिटी स्टंट कर करके मेरे को भी घर के अंदर बुला ले किसी का। लेकिन मैं आपको अंकित एक जगह यहाँ पर रोकना चाहूँगी, एक बात बोलना चाहूँगी कि जहाँ पर कृतिका मलिक और पायल मलिक दोनों ही ये कहते हुए नज़र आई कि वो सब रियलिटी शो करेंगे, लेकिन अब वो बिग बॉस नहीं करेंगे, क्योंकि बिग बॉस उनके लिए अनलक्की था, तो इस पर देखिए, ऐसे तो उन्होंने केक भी काटा था कि गोलू जा रही है बिग बॉस में, तो ये सब डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आप शुरू में कुछ और बातें बोलते हो, बाद में कुछ और कहते हो, तो ये सब लाइमलाइट के लिए वो करते हैं, और वो चाहते हैं कि अरमान एंड द फैमिली, भाभी नंबर 102 जो है वो लाइमलाइट में रहे हमेशा। एट द एंड क्या अरमान ने भी बोला था कि मीडिया जो भी मर्जी बोले, बाहर जाके देख लेना, साथ में पायल हमारे बैठी होगी, तो फिनाले में भी बैठी थी। तो ये सब पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं आपको लाइमलाइट में रखने के लिए अपने आप को, क्योंकि उनको लोगों के दिमाग में बने रहना, जो देखते हैं चाहे ना देखते हैं, तो इनडायरेक्टली पब्लिसिटी हो रही है, और जो चाहते थे वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो दो बहनों वाला प्यार, तो वो कहाँ तक आपको सही लगता है कि मतलब जिस तरह से सवाल पूछे गए थे बिग बॉस में मीडिया के घर, मीडिया वाले जब आए थे तो उन्हें बोला था कि डायन भी साथ घर छोड़कर मुंह मारती है ये वो, तो जो भी बातें हुई थी उस पर जब पायल मलिक थी तो उन्होंने ये भी बोला था कि गोलू वहाँ पर मेरी वजह से परेशान हो रही है, तो जो वो प्यार दिखता है क्या वो सच है या फिर वो भी एक दिखावा? प्यार कुछ नहीं है, सब दिखावा है। और जहाँ तक बात है प्यार की, तो 7 दिन में कोई प्यार नहीं होता, और प्यार भी अपने जब जिसको आप जीजू बोल रहे हो, जिसको एक कोई रिश्ता है आपका, उससे आप उसको एक बड़े भाई की तरह भी देख रहे हैं, तो आपको उसी से प्यार हो जाएगा। और 7 दिन में कैसे हो जाएगा वो तो मेरे को तो नहीं हुआ, आज तक 7 साल हो गए, अभी तक तो नहीं हुआ, 7 दिन में इनको पता नहीं कैसे हो जाता है। बट हाँ, जहाँ तक है वो खुद इस बात को अपोलोजाइज इसके लिए कर रही थी, और ये भी कहा था कि 2 शादियों को हम सपोर्ट नहीं करते, हम मोनोपोली को सपोर्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं पछतावा। और पायल ने ये भी कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रही हूँ, मैं खुश नहीं हूँ इस रिश्ते से, 13 साल से उन्होंने अपनी फैमिली से बात नहीं की, और उसके बाद से ये 3 साल दोनों अलग रहे, 1.5 साल अलग रहे, तो ये सिर्फ
एक गलती है, पायल को भी बात पता है, कृतिका को भी पता है, बस वही है अपनी गलती छुपाने के लिए वो एक रिश्ते का नाम दे दिया कि हम दोनों बहनें हैं और हम खुश हैं, तो खुश तो कोई भी नहीं है। ये आप पूछो पायल से जो रोती हुई वीडियो बनाती हैं और फिर सोशल मीडिया पे कहती हैं मुझे तलाक चाहिए। लेकिन अपने इंटरव्यू में वो ये भी कहती हुई नज़र आई कि ये सब चीज़ें वो डिप्रेशन में बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, उनको बहुत प्यार है गोलू से भी और अरमान जी से भी, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं, वो अपने रिश्ते को मतलब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रही हैं, खुश हैं वो इस रिश्ते में। देखिए डिप्रेशन तो उनकी फैमिली को भी होगा ना, जब वो छोड़ के गए घर से भाग के गई है ना, तो डिप्रेशन तो उनको भी आया होगा। तो आपने तो उस रिश्ते की कदर नहीं की 20 साल, जिसने 20 साल से आपको जब उंगली से पकड़ के चलना सिखाया, जब आपने उसकी नहीं सोची, तो ये रिश्ता तो फिर भी बाद में बना है कृतिका और इनका, तो रिश्तों की अहमियत आप पायल से ना ही समझें तो अच्छी बात होगी। ठीक है, अब हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे। विजयलक्ष्मी, जैसे कि आप बिग बॉस देखती हैं और आप कृतिका मलिक और पायल मलिक को काफ़ी बारीकी से फॉलो करती हैं, उनकी रेगुलर ब्लॉग्स देखती हैं, तो उसमें अभी ये ऐसी खबर सामने आ रही है कि पायल मलिक ने कृतिका मलिक के टैटू हटवा दिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो दीपांशुली, ये जो मतलब टैटू बनवाना हटवाना ये तो अपना कंसर्न है, मतलब अपनी मर्जी से इंसान बनवाता है मिटा देता है। और रही बात पायल और कृतिका के प्यार की बात, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि ये लोग सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स व्यूअर्स के लिए कहीं ना कहीं फ़िल्टर लगाते हैं, क्योंकि जो होता है ना, तो कुछ चीज़ें ये लोग छुपा देते हैं, कुछ चीज़ें हाईलाइट करते हैं। जैसे कि रही बात, पायल बार बार बोल रही थी कि अरमान जी और कृतिका जब बिग बॉस से बाहर आएंगे लोग तो मैं तलाक ले लूँगी, मैं तलाक ले लूँगी, लेकिन फिर भी उन्होंने तलाक नहीं लिया, बाद में सब सॉर्ट आउट हो गया। ठीक, फिर अब टैटू हटवाने की बात, मतलब इन लोगों को रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए व्यूअर्स लाने के लिए, मुझे तो यही लगता है। अच्छा, तो वो जो दो बहनों का प्यार दिखावे वाला है या फिर ये सच है, आपको क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया पे सिर्फ जताते हैं व्यूअर्स के लिए या फिर सच में इनके अंदर प्यार है? मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का ब्लॉग का कंटेंट भी यही है, क्योंकि वो लोग फैमिली ब्लॉग ही सबसे ज़्यादा बनाते हैं लोग, तो ब्लॉग का कंटेंट भी है इनका कि आज गोलू ने ये किया, आज पायल ने ये किया, तो आज कृतिका ने ये किया, तो हो सकता है ये हो। अभी हाल ही में अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो मैं आपको बता दूं कि पायल मलिक की तबीयत ख़राब थी, जो कि वो हॉस्पिटल में भी नज़र आई। पायल मलिक को जब तबीयत ख़राब हुई तो कृतिका मलिक आधी रात को उनको हॉस्पिटल लेके गई हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखो दीपांजलि, रही बात हॉस्पिटल ले जाने की बात, तो हम अगर ना, हमारा दुश्मन भी अगर यहाँ पे मर रहा होगा ना, तो हमारे मानवता के वजह से हम उसको हॉस्पिटल छोड़ेंगे? उनकी तो बहन है, मतलब वो लोग एक ही घर में रहते हैं, तो क्यों ना कृतिका ले जाए पायल को? कोई भी, आपने बहन शब्द यूज़ किया और उससे पहले आपने बोला था कि वो सिर्फ व्यूअर्स के लिए ऐसा करती हैं। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग व्यूअर्स के लिए ही वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। चलिए हम और लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। अनुश्री, अभी आप हालांकि बिग बॉस देख रही थी, आधा अधूरा देखा था जैसे कि, और आप रेगुलर पायल मलिक और कृतिका मलिक के ब्लॉग्स देखती रहती हैं, तो उस पर अभी एक उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि पायल मलिक कृतिका मलिक का नाम हटवा रही हैं, जबकि कृतिका मलिक के सामने से ऐसा कोई भी बात नहीं आई है कि वो नाम हटवाएंगी, तो सिर्फ पायल मलिक को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि ये दो बहनों का प्यार है या फिर सच में ये एक तकरार है? अच्छा, एक बात बताइए कि इन तीनों को जानता कौन था सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस की वजह से फेमस हुए, क्योंकि ये तीनों एक थ्रपल है, ये तीनों जाने इसलिए जाते हैं सोशल मीडिया पे अपने फैमिली ब्लॉग्स के लिए, और बेसिकली अपनी वीडियोस के लिए इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि अरमान मलिक के पास दो बीवियाँ हैं, पायल मलिक और कृतिका मलिक। और रही बात ये सब बिग बॉस के बाद ही क्यों हुआ, अगर तुम्हें टैटू पसंद नहीं आ रहा था तो पहले भी तुम हटवा सकते थे टैटू को, लेकिन ये सब एक झलावा है। और ये पूरे सोशल मीडिया पर ऐसे दिखाती हैं कि दोनों को बहुत प्यार है, अगर प्यार होता असलियत में और शो के अंदर प्यार होता तो बाहर जाके पायल मलिक ये क्यों स्टेटमेंट देते कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मतलब पहले से बातें थी जो कि बहुत सारे व्यूअर्स वाली बात तो उन्होंने बोल दी है ना, कि अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो यूजर्स जो कमेंट कर रहे हैं उसके डिप्रेशन में आकर उन्होंने ऐसा मतलब डिसीजन लिया। अगर आपके मन में प्यार होता है किसी के लिए भी तो आप किसी थर्ड पर्सन को मैटर ही नहीं करता। अगर आपको कृतिका पसंद है, आप कृतिका का टैटू कभी नहीं हटवाओगे, और आपको भी पता है अगर आप अचानक से टैटू हटवा लोगे तो जो कमेंट लोग कर रहे हैं वो और भी कमेंट करेंगे, तो ये बहुत ऑब्वियस बात है। तो मतलब ये सब सिर्फ एक दिखावा है व्यूअरशिप के लिए और अपने मतलब व्यूअर्स को अपने साइड खींचने के लिए, है ना जी? अनुश्री का कहना है कि ये जो पायल मलिक अभी कर रही हैं वो सिर्फ दिखावा है, और कृतिका मलिक इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं है कृतिका मलिक का, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हमारे साथ विकास भी जुड़ चुके हैं। विकास, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये जो कृतिका मलिक है और पायल मलिक है वो दिखावा है या सच में उनके पैर है उनके बीच में? देखो, उनका जो मैं शुरू से बिग बॉस देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे अभी इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला कि हम क्या बोलते हैं कि
डिवोर्स लेने वाले हैं। फिर डिवोर्स वाली बात नहीं, मतलब हम सब ने मतलब इंटरव्यू में सुना है, उन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि वो डिप्रेशन में आकर बोली हैं, तो डिवोर्स वाली बात की तो बात ही नहीं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने उस समय वायरल होने के लिए उस स्टेटमेंट को यूज किया, और इस समय अब उन्होंने फिर एक नया, मैं कह सकता हूँ एक नया स्टेटमेंट जारी करके एक नया एक करतूत हम कह सकते हैं दिखा के लोगों के बीच पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सब अच्छा है, ये हमारे समाज में एक फिट भी नहीं बैठता है। और ये बिग बॉस ने उनके पॉपुलरिटी निश्चित तौर पे बढ़ाई है, लेकिन उसका वो मिसयूज कर रहे हैं। उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये मिसयूज उनके लिए आगे चल के परेशानी बन सकती है। लेकिन बिग बॉस में वो तीनों लोग गए थे, मतलब उनकी पूरी फैमिली ही बिग बॉस में नज़र आ गई कि दो बीवियाँ और उनके साथ गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के जाने के बाद ही इतना कुछ खटास नज़र आया या उससे पहले भी आप देखते थे सोशल मीडिया पे? खटास के बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनका बिग बॉस के समय ही मैंने उनको ज़्यादा देखा, फॉलो किया, और तब से अब तक मैं देख रहा हूँ सिर्फ जो कर रहे हैं सब उसी लिए कर रहे हैं कि उनको न्यूज़ में रहना है, उनको करंट टॉपिक ट्रेंडिंग में रहना है, और कुछ नहीं है। लेकिन ये दो दिन का है, मैं तो वही कहूँगा ये दो दिन का है, आप वे फजूल के जो काम है ये करना बंद कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहे। अभी हाल ही में अगर आप ब्लॉग्स देखते होंगे तो पायल मलिक की तबीयत खराब हो गई थी, जिसमें कीर्तिका मलिक आधी रात को उनको हॉस्पिटल ले जाती हुई नजर आई, तो उस पर आपका क्या कहना है कि वो भी दिखावा है या फिर वो प्यार है? नहीं, उनका जेन्युइन रिश्ता है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक दूसरे के परवेश करना बनता है, और वो अगर अस्पताल लेके गए हैं उनका केयर कर रहे हैं तो ये भी एक मैटर करता है, वो उस पर उनका व्यक्तिगत मामला है, पर्सनल मामला है, उस पर मैं इंटरफेयर करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो प्यार है जो भी है उनका, लेकिन हाँ प्यार है तो अरमान मलिक वहाँ पे नज़र नहीं आए थे हॉस्पिटल में जब वो थे, तो वो क्या था? अब इसका जवाब शायद हो सकता है वही दे सकते हैं, मुझे इसकी शायद जानकारी नहीं है अभी फिलहाल, अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू या हम लोगों को तक ये जवाब दे देते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ बता सकते हैं। कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पे लगातार जो प्यार देखने को मिल रहा है, आप जैसे कि जानते हैं कि सोशल मीडिया खुद में ही एक छलावा है और दिखावा है, वहाँ पर किसी को हम ये जज नहीं कर सकते कि वो उनके बीच में प्यार है या नहीं है। खैर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, और आगे मैं आपको बता दूँ कि अभी कन्फर्म कुछ भी नहीं है कि पायल मलिक ने कीर्तिका मलिक के टैटू हटाए हैं या नहीं हटाए हैं, ये आने वाले टाइम पर ही हमें पता लगेगा जैसे जैसे उनके ब्लॉग्स आते रहेंगे। इस पर भी ब्लॉग उनके कई आ चुके हैं, आप देख भी सकते हैं, जहाँ पर वो खुद ये कहती हुई नज़र आई कि स्पेलिंग मिस्टेक है, इससे पहले भी उन्होंने टैटू में स्पेलिंग मिस्टेक थी तो वो ठीक करवाया था, अब वो कह रही हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने निकल कर आ रही हैं, कुछ भी कहना अभी भी संभव नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह से नहीं निकल पाई हैं, तो ऐसे हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ पर।